दोस्तों, मैं पंकज धवानिया और ये वीडियो है अल्टरनेटर की। इसमें ये फील्ड ख़राब हो गई थी और ये 7.5 का अल्टरनेटर है और इसके बारे में आज कनेक्शन के बारे में बताएंगे। और जिस भी हमारे सब्सक्राइबर को ये वीडियो देखनी हो तो वो देख सकते हैं, अन्य तो उन्हें पता हो कनेक्शन तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे व्यूअर ने अल्टरनेटर की वीडियो दी है और इसको हम इसके बारे में बताते हैं। और इनकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी, उस वजह से हमने थोड़ी कम कर रखी है, साइलेंट कर दी। तो ये देखें, इन्होंने फील्ड टाइट कर दी है, 7.5 का अल्टरनेटर है और ये इन्होंने बोला था कि बिल्कुल टाइट करने चाहिए अच्छी तरह से, तो काफ़ी अच्छी इन्होंने फिटिंग करी है, कनेक्शन भी करे हैं। और इसमें आपको एक कनेक्शन दिखाएंगे कि कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं इसके अल्टरनेटर के, और प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको। तो ये देखो, इन्होंने फील्ड टाइट कर लिए, अब उसके बाद ये कनेक्शन बताएंगे। तो ये देखें, ये चार फील्ड है, चार फील्ड के 8 कनेक्शन हो गए। अभी देखें कैसे कैसे जोड़ रहे हैं। ये इसको इससे जोड़ दिया, बीच का एक छोड़ दिया, 1 से 3 कनेक्शन कराए इन्होंने। अब ये देखें, जो दूसरी फील्ड का दूसरा सिरा बचा है उसको फिर दूसरी तरफ से 1 से 3 में मिला दिया। ये देख सकते हैं, आमने सामने के 2 हो गए। अब एक कनेक्शन और होएगा और ये बारीक बारीक भी इन्होंने मिला दिया है, देख सकते हैं आप कि मोटे मोटे भी उसी फील्ड के और बारीक बारीक ये तार हैं, ये भी उसी के फील्ड के, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही तरफ कनेक्शन होंगे एक ही फील्ड में। ये देखें और कौन कौन सा बचा है, ये भी 1 से 3 कनेक्शन कर दिए इन्होंने। ये बारीक वाले हैं, ये देखें, और ये बारीक वाले बच्चे हैं और ये भी जोड़ दिए इन्होंने। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो उनसे मोटा तार है उसे मोटे से जोड़ना है उसी फील्ड से, और उसी फील्ड के बारीक तार से ही आपको बारीक तार जोड़ना है। ये नहीं कि हमने मोटा किसी से जोड़ दिया और बारीक किसी और से जोड़ दिया। तो जिस तार से आप मोटा जोड़ोगे मोटा तार, और उसी तार से आपको बारीक तार लपेटना है। और ये देखो, इन्होंने प्लास से अच्छी तरह से टाइट कर लिया है जिससे लूजिंग ना बने। और ये तो कॉपर का है और बाई चांस कई बार एल्यूमिनियम का होता है और वो टाइट भी कर देते हैं फिर भी उस पर एक मॉइस्चर आ जाता है और वो हमारे सब चीज़ ओके दिखाता है, मीटर में बोलता भी ओके है पर वो करंट नहीं देता है। तो इस चीज़ का ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि जी ये सब चीज़ दिखा रहा है मेरा सेट और कोई भी दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी भी सही बोल रही है, वाइंडिंग भी सही बोल रही है, डायोड भी ओके बोल रहे हैं फिर भी करंट नहीं बना रहा। तो ये आप कनेक्शन की वजह से होता है, जब कनेक्शन में मॉइस्चर आ जाता है तो उसमें ऐसी दिक्कत आती है। तो आप ये देख सकते हैं, जिन्होंने प्लास से टाइट करके और ये मोटी टाइट तार पे स्लिप लगा दी अच्छी तरह से। ये देखें, आप देख सकते हैं किस किस तरह पर ये लगा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, 1 से 3 कनेक्शन करे इन्होंने और बाकी फिर जो 2 तार बचे हैं ये तार मेन तार निकालेंगे। ये देखें, क्योंकि लूजिंग रहती है तो उसकी वजह से दिक्कत रहती है, तो इन्हें प्लास से अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें और इसी तरीके से आप अल्टरनेटर का कनेक्शन करें जिससे कि आपको दिक्कत ना आए।
ये देख सकते हैं आप। अब इसको भी ये पक्का कर देंगे। अब दो कनेक्शन पक्के कर चुके हैं ये। अब तीसरे को पक्का कर देंगे। अब ये इस पर भी स्लिप चढ़ा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से कनेक्शन करे हैं, और आपको कुछ इसमें समझ में ज़रूर आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि इनका और हौसला जाहिर होए। ये देखें इन्होंने सारे तीनों कनेक्शन कर दिए हैं। अब ये दो तार हैं ये बाहर निकल जाएगी, जिनमें हमारी मेन तार हो गई। ये देखें, और ये थोड़ा सा सेट करके बांध दिया जाएगा, और इसमें हम लीड निकाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये दो बारीक तार निकल गई, ये मोटी तार है। ये देखिए सीरीज से चेक करा है, ये बल्ब जल रहा है, सही दिखा रहा है। ये बारीक तार भी चेक कर लेते हैं, आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।